नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड एंगल और गॉस थ्योरम की डेफिनेशन को सीख लिया था। इस लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। हमने गॉस थ्योरम की डेफिनेशन को पढ़ लिया था, जो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम। कैसे? ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई दैट सर्फेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो सर्कल मैंने लगाया है, इसका मतलब ये है कि क्लोज सरफेस में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस ऑनली। तो हम इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं। प्रूफ कैसे? मान लिया कि हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है और उसके अंदर यहां पे आपने चार्ज रखा है क्यू, वन बोल देते हैं इसको, और यहां पे जो चार्ज है उसको क्यू टू बोल देते हैं। मान लीजिए कि दो चार्ज है, एक उसके अंदर रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है। लेट ए क्लोज सरफेस एस, इसका नाम हम रख लेते हैं एस, क्यूबन चार्ज इज एनक्लोज्ड इन एस सरफेस एंड क्यू टू इज आउटसाइड द सरफेस outside the surface. We want to find the flux due to this charge from the surface. We know that flux, formula of flux kya? क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो क्यू एन डी एस, ये जो है ये फ्लक्स का फॉर्मूला। हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। वी नोट दिस फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इफ देयर इज अ क्लोज बॉडी देन दिस इज अ क्लोज बॉडी, ई एन डी एस, और हम जो है फ्लक्स निकालना चाहते हैं। हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, लेट ए स्मॉल एलिमेंट, ds, हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है। वो छोटा सा एलिमेंट क्या है, यहां पे मैंने मान लिया एक छोटा सा एलिमेंट है, कौन है, ds। इस पॉइंट को हमने बोल भी दिया p, लेट ए स्मॉल एलिमेंट ds एट पॉइंट के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। हमें फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, और फील्ड हम सबसे पहले फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स ड्यू टू सॉरी फ्लक्स ड्यू टू क्यू वन चार्ज, सिर्फ क्यू वन चार्ज के कारण फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू क्यू वन चार्ज थ्रू द सर्फेस, हमने एक छोटा सा सर्फेस मान लिया ds, तो सिर्फ इसी का फील्ड निकालेंगे, तो E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन चार्ज एट पी पॉइंट कितना हो जाए। अगर हम यहां से बात करें, ये ds जो आपने सरफेस एरिया माना है, इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो वो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए, तो n का डायरेक्शन ये जाएगा, आउटवर्ड भी होना चाहिए और नॉर्मल भी होना चाहिए। और इस पॉइंट के कारण यहां पे अगर मैं फील्ड देखूंगा तो फील्ड की डायरेक्ट देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा ऐसे, यहां पे हो जाएगा E ड्यू टू दिस चार्ज
लेट दिस डिस्टेंस बी आर, हमने इसको आर मान लिया एक बार के लिए, तो ई ई कितना हो जाएगा यहां पे ड्यू टू दिस क्यू वन चार्ज, दैट इज के क्यू वन बाई आर स्क्वायर. दिस इज अ फील्ड ड्यू टू दिस क्यू वन चार्ज एट द सर्फेस. We want to find the flux due to this Q2 charge at the surface. Then we can write let angle between E and N is theta. Let this be theta. Then calculate the flux, that is phi e. E क्या रहेगा आपका, ये रहा k q1 by r square n, sorry flux का आपके पास formula है e n ds और over a closed surface. अगर आप dot product को खोलते हैं तो ये बन जाएगा आपका e n. n एक यूनिट वेक्टर है और यहां पे आ जाएगा cos theta और ds ओवर ए क्लोज सरफेस. दिस इज अ फ्लक्स. और आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे कैलकुलेट करोगे, ये है आपका e और e की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं. कितना आ जाएगा k Q1 by R square, cos theta, theta is angle between E and N, and there is cos theta, और यहां पे हम क्या लिख देंगे ds, ds. तो और बात कर रहे हैं आगे, ये जो फ्लक्स आप जिस चीज की कैलकुलेशन आप कर रहे थे ये क्या है यहां पर ई एन बी एस, इसी की कैलकुलेशन आप ओवर ए क्लोज सरफेस कर रहे तो ये आपके पास आ गया. यही तो है, इसी की तो कैलकुलेशन हम कर रहे थे, यही आ गया आपके पास. तो ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस आपका क्या आ गया है, देखिए यहां से ये क्या आ जाएगा के, के जो है बाहर आ गया, क्यू वन भी बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास डी एस कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर, यही बच गया. ये इंटीग्रेशन यहां पे रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस यहां से बच गया. अगर इस फ्लक्स की बात करें आप, ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू के आपका बाहर आ गया, क्यू वन भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज डी एस कोस थीटा बाई आर स्क्वायर. इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखें, हमने आपको सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला बताया था कि s cos थीटा बाई आर स्क्वायर. इफ देर इज एंगल थीटा बिटवीन आउटवर्ड नॉर्मल एंड e, इन दैट केस मैंने बोला था कि अगर आपका सरफेस ऐसे है और इस पॉइंट से बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका सरफेस थोड़ा टेढ़ा है जैसे ये है तो उस केस में जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बढ़ा लेगा थीटा. तो एस कोस थीटा ये है तो आपका सॉलिड एंगल. अगर बड़ा सा सरफेस होता तो सॉलिड एंगल ये, लेकिन छोटा सा सरफेस है तो छोटा सा सॉलिड एंगल आ जाएगा. तो हम इस टर्म को लिख देंगे ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू के क्यू वन. इसको हम लिख सकते हैं डी ओम. ये ओम है, यहां पे फील्ड जो है अगर छोटा सरफेस एरिया होगा तो छोटा सॉलिड एंगल बनाएगा. तो ds जो है वो d ओम जो है वो आपका एंगल बनाएगा. अब हमें देखना है कि ये कहां से कहां वेरी करता है. एक क्लोज बॉडी है आपके पास, एक क्लोज बॉडी इंटरनल सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें, इंटरनल सरफेस के कारण अगर हम बात करें तो कितना एंगल बनाती है. अगर आप देखो कि ये क्लोज बॉडी, हमने बोला था कि इस पॉइंट से आप सारे लाइन को मिला दो, सब लाइनों को आप मिला, सबको मिला, सबको मिला, और अगर आप इस, अगर आप एक स्फेरिकल सेल से इसको काटो
तो सर स्फेरिकल सेल का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² a² जो भी आपका, और डिवाइड में उसकी रेडियस का स्क्वायर, डिवाइड में a² कैंसिल। तो क्लोज बॉडी का अगर आप सरफेस, अगर आप सॉलिड एंगल देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4π। तो सॉलिड एंगल जो है इंटरनल पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी कवर हो जाए, पूरी बॉडी सॉलिड एंगल कितना बना रही है, कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 4π। तो आप इसको लिख पाएंगे EN dS ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, K को आप लिख पाओगे 4π ε₀, और यहां पे आ जाएगा Q1 और B ओम का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओम। तो ओम अगर आप लिमिट पुट करोगे तो 0 to 4π, 4π - 0, तो यहां पे आ जाएगा 4π, 4π से 4π कैंसिल, देन EN dS ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या आ गया, Q1 by ε₀। तो ये आपका आ गया है फ्लक्स, किसके कारण फ्लक्स आ गया है, इस Q1 चार्ज के कारण, इस क्लोज बॉडी में जो हमने इरेगुलर सी मानी थी उसके कारण फ्लक्स आ गया है, कितना आ गया, Q1 by ε₀। अब हम पहले हमने फ्लक्स निकाला था फ्लक्स ड्यू टू Q1 चार्ज, अब हम निकालेंगे फ्लक्स ड्यू टू Q2 चार्ज, या फिर इसको एक्सटर्नल चार्ज भी बोल देते हैं, एक्सटर्नल चार्ज। और यहां पे बात करेंगे तो Q1 जो है वो इंटरनल चार्ज भी है, इंटरनल चार्ज। तो अब हम जो है फ्लक्स Q2 चार्ज के कारण निकालेंगे, सॉरी Q2 चार्ज दैट इज आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द सरफेस। अब यहां से अगर आप फील्ड निकालोगे, इस पॉइंट से इसके ऊपर फील्ड निकालोगे, तो अब की बार इसका आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ ही होगा, इसके कारण अगर आप फील्ड निकालोगे तो फील्ड जो है वो इस तरफ आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल भी हो, सारी सिचुएशन रखोगे तो आपके पास यही इक्वेशन लास्ट में आ जाएगी। मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा, जैसे प्लस ड्यू टू क्यू टू चार्ज, मान लीजिए हमारे पास एक इरेगुलर यही बॉडी, इसके बारे में फ्लक्स ड्यू टू Q2 चार्ज जो कि एक्सटर्नल चार्ज है आपका, यही बॉडी है हमारी ऐसी कुछ इरेगुलर सी बॉडी, और हम जो है अब की बार Q2 चार्ज के कारण हम फिर से वही कहानी को दोहराएंगे जैसे ऐसे किया था। यहां पे एक सरफेस को मान लो कि जो आपका क्या होगा, छोटा सा सरफेस ds, इसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो यहां पे आ जाएगा, इसके कारण फील्ड की बात करोगे तो वो ऐसे कुछ हो जाएगा E, और इस छोटे से चार्ज के कारण E आपने निकाल लिया, ds ये वाले एंगल को हमने क्या मान लिया है अब की बार, फाई मान लिया, मान लिया कि एंगल फाई। तो अगर आप एक्सटर्नल चार्ज के कारण फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहता है ds ओवर ए क्लोज सरफेस। तो ई इसके कारण ई देखोगे, मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो डी आपने मान लिया, तो इसके कारण यहां पर जो फील्ड होगा दैट इज KQ/d² और एन, इसको खोलोगे डॉट प्रोडक्ट को तो क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आप लिख सकते हो EN cos θ, एन यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा ई जो कि आप मैंने लिख दिया है, उसके बाद cos φ, एन और इसके बीच में एंगल फाई, और यहां पे क्या लिख दिया, ds ओवर ए क्लोज सरफेस। अगर आप बात करें यहां पे क्या होगा, KQ2 आएगा, यहां Q2 के कारण आप चार्ज, Q2 बाहर आ जाएगा तो क्या बच गया, ds cos φ डिवाइड में क्या हो गया, d² यहां पे इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। और ये जो है ये तो बाहर आई गया इंटीग्रेशन से, तो यहां इंटीग्रेशन सॉरी ओवर ए क्लोज सरफेस, ds cos φ डिवाइड में r² यहां पे अगर बात करोगे इसके कारण, अब की बार फिर से गॉसियन सरफेस अगर लोगे तो थोड़ा सा सरफेस जो आउटर पे बनाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा सा सॉलिड एंगल KQ2 dO, और क्लोज सरफेस के लिए आउटर पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना होता है, 0 होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। इसीलिए यहां पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी EN dS ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0, पूरी क्लोज बॉडी का आउटर सरफेस के ऊपर, इस छोटे से सरफेस के कारण तो सॉलिड एंगल होगा लेकिन पूरे सरफेस के कारण कोई भी सॉलिड एंगल यहां पे नहीं होता, 0 होता है उसकी वैल्यू। तो कितना हो जाएगा ये पूरी की पूरी टर्म, 0। तो यहां पे एक्सटर्नल चार्ज के कारण फ्लक्स आ गया है 0,
और इंटरनल चार्ज के कारण फ्लक्स आ गया है क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नेट फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स ड्यू टू इनवर्ड प्लस फ्लक्स ड्यू टू इंटरनल चार्ज और फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज अगर आप देखोगे तो वो क्या आ गया, ये आ गया आपका क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस में कितना जीरो। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो नेट फ्लक्स है, अगर आप यहां पे देखोगे तो नेट फ्लक्स क्या है आपका, फ्लक्स ई एंड डी एस ही तो होता है ओवर ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स यही तो होता है, वो कितना आ गया q1 इनसाइड में है तो इसके रिजल्ट में ये लिख दिया जाता है q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इस इन का मतलब समझ में है, इस इन का मतलब ये है कि चार्ज जो है इनसाइड में होगा सिर्फ उसके कारण फ्लक्स होगा, एक्सटर्नल चार्ज के कारण फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा जीरो होगा। तो गॉस थ्योरम में इसके ऊपर क्यू इन क्यों लिखा होता है, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ इंटरनल चार्ज के कारण होता है, एक्सटर्नल चार्ज का फ्लक्स कितना होता है जीरो होता है, इसीलिए इस रिजल्ट के अंदर इन लिखा जाता है। हमने आपको लिखवाया था क्यू एनक्लोज, जो सरफेस के एनक्लोज है सिर्फ उसके कारण फ्लक्स होगा। तो गॉस थ्योरम का रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है और ये ही सही प्रूफ है। अगर आप अपनी प्रदीप में देखोगे तो वहां पे रिजल्ट जो है गलत दे रखा है, कई सारे टीचर भी उसको गलत पढ़ाते हैं। एक जो एग्जांपल मैंने पहले आपको दिया था जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे थे, तो वहां से जो फ्लक्स हमने निकाला था वो एक फ्लक्स का क्वेश्चन है, प्रूफ नहीं है। एक इरेगुलर बॉडी के कारण भी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है, दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं। तो ये हम बात कर रहे हैं, आप आगे जाके गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ भी प्रूव कर सकते हो, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल फ्लक्स थ्रू एन क्लोज बॉडी, फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये रिजल्ट सीख लिया। अब हमारे पास जो गॉस थ्योरम का रिजल्ट आ गया, एक्सटर्नल चार्ज के कारण फ्लक्स नहीं होता है, इंटरनल के कारण, लेकिन गॉस थ्योरम देती दोनों के कारण, ये तो बात अलग है कि फ्लक्स जो है इंटरनल के कारण ही होता है, एक्सटर्नल के कारण फ्लक्स जीरो हो जाता है, लेकिन ये रिजल्ट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, दोनों के कारण इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चार्ज के कारण होता है, लेकिन फ्लक्स आता सिर्फ इंटरनल चार्ज के कारण। तो अगर आपको कोई सरफेस ऐसे दे दे, मान लिया कि यहां पे चार्ज है क्यू वन, यहां पे चार्ज है क्यू टू और यहां पे चार्ज है क्यू थ्री, और आपको बोला जाए इस सरफेस का नाम एस वन एस टू एस थ्री, फाइंड द फ्लक्स थ्रू एस वन एस टू एंड एस थ्री, तीनों में से फ्लक्स आपको निकालना है। अगर फ्लक्स आप एस वन सरफेस में से निकालोगे तो ये थ्योरम, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर इन साइड में कितना है तो क्या आ जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स एस टू सरफेस में से कितना होगा, तो एस टू सरफेस में देखो, एस टू सरफेस में क्यू वन और क्यू टू तो इन साइड में है लेकिन क्यू थ्री आउट साइड में है, तो फ्लक्स सिर्फ इन दो के कारण होगा, तो कितना हो जाएगा क्यू इन साइड, इनसाइड में कितने हुए क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे एस थ्री में फ्लक्स पूछा जाए, फ्लक्स इन एस थ्री, उस केस में एस थ्री में फ्लक्स कितना है, क्यू एस थ्री में इनसाइड में चार्ज कितना है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, कितना आ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सर्फेस के अंदर जो फ्लक्स होता है दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक और एग्जांपल, चाहे क्लोज बॉडी कैसी भी हो, क्योंकि ये वाला रिजल्ट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप, कैसी शेप है उस पर, इसके अंदर कोई शेप का कोई फंडा ही नहीं है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे भी क्लोज बॉडी रहेगी ये रिजल्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आप एक क्यूब की बात ही क्यों ना कर दो। अगर मैं बोलूं कि एक क्यूब है आपके पास और उसके अंदर कोई चार्ज रखा है क्यूब, तो फ्लक्स कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो कितना होगा फ्लक्स इस क्यूब के अंदर से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन साइड में कितना है क्यू। तो आप ये वाला जो रिजल्ट है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, ये शेप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है कि, और साइज के ऊपर भी, कितना बड़ा साइज है उसके ऊपर भी, अगर ये क्यूब थोड़ी और बड़ी होती तब भी उतना ही फ्लक्स होता है,
तो सेब के ऊपर भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। और हम बात करें जैसे मान लिया कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर आप एक क्यूब को इसके अंदर रख दो, यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसे यहां एक क्यूब रखी और फील्ड जो है वो ऐसे चल रही है, जैसे ये सिचुएशन, तो लाइनें जाएंगी, जितनी लाइनें इसके अंदर जाएंगी उतनी लाइनें बाहर निकल जाएंगी, तो इस केस में भी फ्लक्स क्या होता है, जीरो। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जाम्पल में 11th क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपकी गॉस थ्योरम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।